बॉलीवुड अभिनेत्री कंगना रनौत और उद्धव सरकार के बीच जारी विवाद खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। कंगना मुंबई में अपना ऑफिस गिराए जाने से अभी भी नाराज हैं और उद्धव सरकार पर आए दिन निशाना साधती रहती हैं। इस बार कंगना के निशाने पर उद्धव के अलावा फिल्म अभिनेता आमिर खान हैं। कंगना रनौत के खिलाफ मुंबई में एक और FIR दर्ज होने के बाद एक्ट्रेस ने आमिर खान पर निशाना साधा है। कंगना ने एक ट्वीट में आमिर खान को टैग करते हुए लिखा है कि इंटॉलरेंस गैंग से जाके कोई पूछे कितने कष्ट सहे उन्होंने इस इंटॉलरेंस देश में। दरअसल एक वक्त में आमिर खान ने विवादित बयान दिया था कि उनकी पत्नी को कभी कभी देश में डर लगता है। वहीं आमिर के अलावा कंगना ने एक और ट्वीट करके उद्धव सरकार पर हमला बोला है। कंगना ने दूसरे ट्वीट में महाराष्ट्र सरकार को फांसीवादी बताया है। उन्होंने लिखा है कि कैंडल मार्च गैंग अवार्ड वापसी गैंग देखो फांसीवाद का विरोध करने वाले क्रांतिकारियों के साथ क्या होता है। तुम सबकी तरह नहीं, तुमसे कोई पूछता भी नहीं है, मुझे देखो, मेरे जीवन का मतलब महाराष्ट्र की फांसीवादी सरकार से लड़ना है, तुम सबकी तरह धोखाधड़ी करना नहीं। वहीं कंगना ने तीसरे ट्वीट में लिखा है कि मैं सावरकर, सुभाष चंद्र बोस और झांसी की रानी की पूजा करती हूँ। आज ये सरकार मुझे जेल में डालने की कोशिश कर रही है, जल्दी जेल होने और उन्हीं दुखों से गुजरने का इंतजार कर रही हूँ जिनसे मेरे आदर्श गुजरे, ये मेरे जीवन को सार्थक बनाएगा। हालांकि कंगना और उद्धव ठाकरे की लड़ाई पिछले कई महीनों से जारी है, लेकिन इस लड़ाई में उन्होंने आमिर खान को लपेटकर एक नए विवाद को जन्म दे दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, OMH न्यूज। और भी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं।